महाराष्ट्र के नागपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट हैं। नागपुर लोकसभा सीट भारत की राजनीति में अहम है। यहां बीजेपी के वैचारिक गुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। यह दीक्षा भूमि का भी घर है, जो दलित समुदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1956 में यहीं अपने लाखों समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सांसद हैं। वे 2014 और 2019 में यहां से चुनाव जीते। वे 2024 चुनाव के लिए भी यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गडकरी 2 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। उनका कहना है कि इस साल उनका लक्ष्य 5 लाख के अंतर से जीतना है। इस बार उन्हें अल्पसंख्यक और दलित वोट भी मिलने का भरोसा है। मैंने लोगों की सेवा की है, नागपुर की जनता को अपना परिवार माना है। यहाँ युवाओं को 1 लाख लोगों को मिहान में रोजगार दिया है और 5 साल में 1 लाख नए रोजगार खड़े करूँगा। मैं यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए वैसे देश में काम करता रहा, राज्य के लिए भी काम करता रहा, विदर्भ के लिए करता रहा और नागपुर के लिए भी करता रहा। यहाँ तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करते रहता हूँ और इसलिए नागपुर में दुनिया में जो कुछ अच्छा है वो नागपुर में लैप। कुछ लोग मानते हैं कि गडकरी ने इस सीट के लिए काफी विकास काम किया है, वे अगले चुनाव में भी उन्हें वोट देने की बात करते हैं। विकास जो हमें हमारी जिंदगी में चाहिए, हम मतदान करते हुए हम इसे हासिल कर सकते हैं। हर मतदाता को अपना मतदान का अधिकार बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। नागपुर में जो विकास होते हुए दिख रहा है उसे मद्देनजर रखते हुए तो अभी तो यही लगता है कि बीजेपी ही यहाँ पे चुन के आएगी। जब से मुझे समझ में आता है विकास क्या चीज़ होती है, जो मैंने देखा है अपने आँख से बदलते हुए, तो जो चीज़ें मैंने तब नहीं देखी वो मैं अभी देख रहा हूँ। और जो सारी चीज़ें भी दिख रही है हमको, मेट्रो दिख रही है, हमारे रोड दिख रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते दिख रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं दिख रही है, तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र की तरफ से हमारे यहाँ पे गडकरी साहब ने लाए हैं। तो गडकरी साहब का जिस तरीके का अभी नाम है, काम है और जिस तरीके से उनको मानते हैं, मेरा झुकाव तो इस तरफ गडकरी साहब की तरफ से है। गडकरी के खिलाफ कांग्रेस के विकास ठाकरे हैं। वे नागपुर के पूर्व मेयर हैं। उनका जमीनी स्तर पर आम लोगों के साथ मजबूत रिश्ता है। विकास ठाकरे का दावा है कि नागपुर बीजेपी का गढ़ नहीं है। वे अपनी बात पुख्ता करने के लिए वे 2019 के बाद हुए स्थानीय और विधानसभा चुनावों का हवाला देते हैं। आप पिछले नागपुर का लोकसभा का चुनाव लीजिए, लोकसभा के बाद में कितने चुनाव हुए, लोकसभा के बाद में विधानसभा हुए, उस विधानसभा में हम 2 विधायक चुन कर आए, 2-2 हजार से गिरे, पदवीधर मतदार संघ में कांग्रेस आई, शिक्षक मतदार संघ में कांग्रेस आई, तो ये क्या बीजेपी का गढ़ है? फिर पिछली लोकसभा जीतने के बाद जो भी इलेक्शन हुए होंगे उसमें इस विदर्भ में नागपुर में तो सारी सीटें कांग्रेस की आई, इनका गढ़ था तो क्यों नहीं आई ये सीटें चुन के? नागपुर के कुछ वोटर नितिन गडकरी के काम से नाखुश हैं। उनकी शिकायत है कि सांसद के तमाम दावों के बावजूद नागपुर में लोगों की बुनियादी मांगे पूरी नहीं हुई। जनता की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या? अभी तक कोई एजुकेशन के ऊपर बात किया है क्या? हॉस्पिटल के लिए बात की है क्या? बस रोड बनाना, डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है अपने नागपुर में। नितिन गडकरी क्या है तो एक आधे हॉस्पिटल बनाया गया, उन्होंने इतना फंड आता है हमको बोलते पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है तो एक आधे हॉस्पिटल बनाया, या एक गवर्नमेंट स्कूल जो थी वो बंद हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए विकास तो कुछ भी नहीं आया, बीजेपी वालों की तरफ से कुछ भी विकास नहीं है। 350 झोपड़पट्टी जो अधिकृत झोपड़पट्टियाँ हैं अभी तक उनको रेगुलर किया नहीं है। उसके लिए माननीय जो नितिन जी गडकरी है जो चुन के आए हैं, अभी उनका तीसरा टर्न होने वाला है, लेकिन अभी तक नागपुर की जो झोपड़पट्टी है उसके ऊपर में उन्होंने कुछ भी वहाँ पर स्टेटमेंट किया नहीं है। उसके बाजू में आपने एसवर स्टेडियम देखा है, सर्कस ग्राउंड है, दीक्षा भूमि का अभी तक उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है। राज्य में 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 चरणों में वोटिंग होगी। नागपुर में पहले चरण में वोटिंग होगी, वोटों की गिनती 4 जून को होगी।